नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। जी हां, जहां एक ओर कोरोना के कहर से निपटने के लिए शासन व प्रशासन के लोग अपने स्तर पर रात दिन लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहर के सामाजिक संगठन व संस्थाएं आगे बढ़कर जरूरतमंद लोगों तक खाना व राशन पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न माध्यम से कोरोना महामारी से बचाव के तरीकों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सभी का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी शहर में भूखा ना सोए। हालांकि इस नेकी का कार्य करते हुए इस फोटो खिंचाव प्रतियोगिता की दौड़ में पुलिस प्रशासन के काफी समझाने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम फॉलो ना करते हुए कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे हम अनजाने में जनसेवा का कार्य करते हुए हम स्वयं कोरोना को अपने घर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरों को देखकर शहर के एसपी नवनीत भसीन ने नाराजगी व्यक्त की है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा है, लक्ष्मण रेखा पार ना करें व कोरोना तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक हम स्वयं उसे नहीं बुलाएंगे। इंडिया खबर लाइव भी आप सभी दर्शकों से अपील करता है, समाज सेवा का कार्य करते हुए, खाना बनाते हुए, खाना व राशन वितरित करते हुए 1 मीटर की दूरी आपस में बनाए रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, हर 20 मिनट में अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। इंडिया खबर लाइव के लिए ग्वालियर से अनूप पांडे की एक रिपोर्ट। मैं हेमंत निगम आनंदक ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन पे हमारी सभी की एक जिम्मेदारी है कि वो लोग जो वंचित हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको खाना उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो हमारी क्या सभी की एक ड्यूटी है कि हम सभी को खाना उपलब्ध कराएं, जितना हो सकता है जो स्वेच्छा से उपलब्ध करा सकता है वो उपलब्ध कराएं। इसकी जिम्मेदारी ग्वालियर में जो अजाक्स है, सोसाइटी है, जो अजाक्स ऑफिस है, इन्होंने जिम्मेदारी ली है। मुकेश मौर्य जी हैं, इन्होंने इसकी जिम्मेदारी डे वन से ली है। जो ये सभी को खाना उपलब्ध करा रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है, जो बाहर से जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो जिनका जीवन ही डेली खाना है, उसी से ही कमाना है, उसी से ही खाना है, उस पर है, तो ऐसे लोग जिनको डेली खाना नहीं मिल पा रहा है, तो डे वन से इन्होंने जो जिम्मेदारी ली है। और हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं, गाँव के, ग्वालियर के आसपास जितने भी जो हैं ट्राइबल एरियाज़ हैं, गांव के जो ग्वालियर में, जो ग्वालियर के अंदर जो मजदूर वर्ग है, जो झोगी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको खाना उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग सावधानी भी बरतना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, कि हम लोग ये सब काम करते करते हम एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन जरूर करें। इसके साथ सैनिटाइज भी कर रहे हैं अपने आप को, लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये महामारी जो है इसको हमें जल्दी से ख़त्म करना है, इसके खिलाफ लड़ना है, इसको ख़त्म करना है, जिससे कि ये महामारी और आगे ना बढ़े, इसको यहीं ख़त्म करना है। इसका पूरा जो हमको सहयोग है प्रशासन से भी मिल रहा है, हमें अपने आसपास के लोगों से भी मिल रहा है, दोस्त यार से भी मिल रहा है, और हम इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। लेकिन पहली जिम्मेदारी की कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी भूखा ना सोए। कुलैत के आसपास का जो ऊपर पहाड़ी एरिया है, वहाँ लोगों के पास खाने की व्यवस्था, राशन पानी नहीं है। तो हमारे सारे मोहल्ले बालाबाई के बाजार में चिट्टिस की गोट की सारी लेडीज महिलाएँ, घर की महिलाएँ एकत्रित होकर पुड़िया और आलू की सब्जी और ये सब बना रहे हैं। डेली 8 दिन से कहीं कार्यक्रम चल रहा है हमारे यहाँ, और डेली सब हम बांटने आते हैं सब जगह। और इसमें हमने कुछ कच्चा राशन, जैसे आटा है, चावल है, तेल है, नमक के पैकेट हैं, इसके राशन के पैकेट अलग से बनवाए हैं, वो हम अलग से घर घर दे देते हैं। तो ऐसे प्रतिदिन आप कितने लोगों तक ये चीज़ें पहुँचा रहे हैं? ये कम से कम 150-200 लोगों के बीच में पहुँचा देते हैं। 40 घरों में तो हम खाना, कच्चा खाना दे आते हैं। अच्छा। और खाने के पैकेट 500 सब करीब बनवाते हैं, जिसमें आलू सब्जी और पूड़ी, वो करीब 500 पैकेट डेली डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं।